हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 3.9। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन अ मीटर ब्रेस एज शोन इन फिगर 3.27, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the values of R and S. ये हमें फिगर दिया हुआ है। ये मीटर ब्रेस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मीटर ब्रेस आपने थ्योरी में भी किया हुआ है। ये हमारी रेजिस्टेंस वायर है, ए से सी के बीच में फिटेड है और ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस R है। बी से डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और बी से सी के बीच में एस है और डी से सी एक रेजिस्टेंस, ए से डी दूसरा रेजिस्टेंस। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, मीटर ब्रेस का एप्लीकेशन क्या होता है। मीटर ब्रेस जो है वो डिवाइस है जो यूज होती है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मीनिंग जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है उस वक्त इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो इन दोनों लेंथ्स के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम यही चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। मीटर ब्रिज में नल पॉइंट मिलता है हमें 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग में इफ नाउ आर रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, मतलब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिया जा रहा है कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया जाता है, कितना 12 ओम का। उस वक्त नल पॉइंट जो है वो 51.9 सेंटीमीटर हो जाता है। तो मतलब हमें दो बार कंडीशन देखनी है। फर्स्ट टाइम हमें नल पॉइंट दिया हुआ है ये 33.7 और सेकेंड टाइम जब इसके पैरेलल में ये लगा होता है तब नल पॉइंट चेंज हो जाता है 51.9 और हमें आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। फॉर फर्स्ट बैलेंस पॉइंट, फर्स्ट बैलेंस लेंथ क्या है 33.7, तो आर अपॉन एस विल बी इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एल कितना है 33.7, तो 100 माइनस एल क्या होगा 100 माइनस 33.7। ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। आर हम फाइंड आउट करें यहां से तो होगा 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3 इनटू एस। आफ्टर एस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 ओम रेजिस्टेंस, एस के पैरेलल में अगर 12 ओम आ गया तो यहां पर इन दो एंड्स के बीच में कुल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है उसका रेशियो लेना है इसके साथ। ठीक है, ये रेशियो राइट करने के लिए तो हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए एस डैश है, तो एस डैश इज इक्वल टू, क्योंकि एस और 12 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एस इंटू 12 डिवाइडेड बाय एस प्लस 12। ये मैंने वो फॉर्मूला लगाया जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। एस डैश आ गया, इसका मतलब हम इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस यहां पर मान सकते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या है एस डैश। अब नया रेशियो किसके साथ मानेंगे, आर अपॉन एस डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। एल डैश क्यों बोल रही हूं, क्योंकि एल चेंज हो गया है अभी। ठीक है, तो आर अपॉन एस डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। एल डैश कितना है 51.9, ये वैल्यू हमने पुट की, एस डैश की वैल्यू पुट की, ये आ गई। अब आर इज इक्वल टू ये आ गया है हमारे पास 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1 इंटू 12 एस अपॉन एस प्लस 12। आर यहां से भी निकाल लिया, आर यहां से भी निकाल लिया। दो अननोन है तो दो इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होंगी इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस प्रिपेयर कर ली हैं। आर के इक्वल ये भी है, आर के इक्वल ये भी है, तो ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट
दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस फैक्टर, ठीक है, इन दोनों में एस आ रहा है, एस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली स्टेप्स राइट किए हुए हैं। यहाँ पर आया दिस 1620.97 एस इज इक्वल टू 21840, सो एस इज इक्वल टू 21840 डिवाइडेड बाय 1620.97, सो एस इज इक्वल टू 13.47, दैट कैन बी रिटर्न एज ऑलमोस्ट 13.5 ओम, पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट किया 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3 इनटू एस की वैल्यू आई है 13.5 इज इक्वल टू 6.86 ओम, सो आर इज इक्वल टू 6.86 ओम। हमसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ आर एंड एस, आर की वैल्यू भी आ गई है और एस की वैल्यू भी आ गई है। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें दो इक्वेशंस बनानी है और दो नल पॉइंट हमें दिए हुए हैं, बस कंडीशन आपको समझनी है कि कब कौन सा रेशियो लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।